हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू ए न्यू ब्लॉग। गाइस, इन दिस ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइप का लाया हूं। तो गाइस, वेल नोन प्लेस में से एक है, वो भुवनेश्वर के करीब 17-18 किलोमीटर होगा वैसे दूरी है बरमुंडा से, नंदनकानन, जो कि हम लोग नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। तो गाइस, वहाँ अनेक पशु पक्षियाँ हैं, आप लोग देखने का मौका मिलेगा रियल में, एलिफेंट्स, टाइगर, लायन और बहुत कुछ। और वहाँ अंदर बोटिंग भी किया जाता है। तो गाइस, इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बोल देता हूँ थोड़ा, बस वीडियो के अंदर में ही, ब्लॉग में ही बोला हूँ, लास्ट डे गया था, बट उतना बहुत लंबा वीडियो बनाया हूँ इसलिए इंफॉर्मेटिव जो रहेगा वो सब शायद आप लोग मिस कर दोगे। और मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो कभी विजिट नहीं किए, कभी नहीं आए हैं, जो आने वाले हैं उनके लिए, और जो जो आ चुके हैं उनके लिए तो आप लोग तो देख चुके होंगे, जो नहीं आए हैं उनके लिए स्पेशली है। तो गाइस, जब एंट्री करोगे तो पर पर्सन अडल्ट का 50 रुपीस लगता है, उन बच्चों का 10 रुपये। हाँ, और अगर आप लोग वीडियो कर रहे हो, आपके पास कैमरा है, ब्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ भी कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हो, हैंडी कैमरा कुछ भी रहेगा तो आप उसके लिए भी 100 एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, तो 150 में हो जाएगा वीडियो भी सब बनाओगे तो। अगर आप लोग मोबाइल पकड़ते हो और ब्लॉगिंग करते हो तो शायद नहीं लेंगे, अगर कैमरा सब देखेंगे और हैवी कैमरा, मतलब थोड़ा हाई वाला कैमरा रहेगा तो उसके हिसाब से चार्ज लेते हैं, दिखा दूंगा वीडियो ब्लॉग में। तो गाइस, और बोटिंग का भी सुविधा है यहाँ, बोटिंग के लिए 2 पर्सन को 50 रुपीज़ एंड 4 पर्सन, जो भी 4 जन होंगे तो 100 रुपये, एंड 2 जन होंगे तो 50, और 7 जन की कितना जन होंगे तो 150 शायद, 150 शायद, दिखा दूंगा आपको ब्लॉग में, देख लेना। तो गाइस, मैं इसलिए मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत लंबा बना दिया हूँ, इसलिए शायद लॉन्ग वीडियो बना दिया हूँ तो आप लोग शायद उतना तक नहीं पहुँचेंगे, इन्फॉर्मेटिव मिस हो जाएगा। सो मैं पहले से ही थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेटिव दे रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन थोड़ा उसका। तो गाइस, वहाँ मंकी से बच के रहना, इंद्रों से बच के रहना, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वैसे तो कुछ नहीं करते हैं, जो गारंटी नहीं दे सकता मैं। तो गाइस, ठीक है ब्लॉग में। ओह गाइस, और एक बात, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ अपने चैनल में कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं, वो जो रहता है लिखा हुआ वो तो आता ही होगा, लेकिन मैं वैसे नहीं बोलता हूँ, बोलता था पहले टाइम, अभी नहीं बोलता हूँ। तो गाइस, आज से स्टार्ट करूँगा क्योंकि खुद का चैनल को भी तो ग्रो करना है, कराना है। तो गाइस, मेरे चैनल को भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और पसंद नहीं आया थोड़ा भी पसंद नहीं आया, 1% भी अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करो, बट कमेंट, लवली कमेंट दो, अदरवाइज़ अगर नेगेटिव कमेंट देना ही चाहते हो तो मत ही दो यार, क्योंकि हम लोग थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा हर एक कॉन्टेंट क्रिएटर ऐसे ही होता है। तो इतना ही रिक्वेस्ट था, और आप लोग जाइए, घूमिए, जितना होगा देखिए, और बोटिंग तो ज़रूर करना, अंदर जाओगे तो बोटिंग। और ये इस वीडियो उन लोगों के लिए है जो न्यू लोग हैं, जो पहली बार आना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली मैं बना रहा हूँ। और अगर आप लोग आना चाहोगे तो बरमुंडा से नंदनकानन, बरमुंडा टू नंदनकानन, हाँ वहाँ 18 नंबर वाली बस पकड़ लेना, 18, जो कि मो बस बोलते हैं, यह सिटी बस है यहाँ का, और 18 नंबर, नॉन एसी एसी दोनों रहता है, नॉन एसी वाला 20 रुपये लेगा, करीब 18-17 किलोमीटर होगा। तो गाइस, आज का ब्लॉग इतना में ही अंत करते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, ब्लॉग कंटिन्यू करो, जाओ मत, सी यू। तो गाइस, शुरुआत से शुरू करते हैं, तो ये है नंदनकानन जो सामने दिख रहा है, ये जू है, जूलॉजिकल पार्क, तो चलो जाते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसा है। चलो अंदर जाते हैं। तो गाइस, पीछे देख लो, यहाँ सब गुपचुप, जितना भी छोटा मोटा स्टॉल सब मिल जाएगा, एंड भीतर यहाँ आप लोगों को जो एब्रॉड के हैं, बाहर देश के आते हैं, तो यहाँ टिकट है उनका काउंटर। तो गाइस, ये है मैप,
जो कि इसके मदद से आप लोग पहली बार आए होंगे, तो अभी आप और मैं यहाँ हूँ यहाँ बुकिंग काउंटर में। तो गाइस जो अभी दिख रहा है वो सामने वहाँ टिकट टिकट ले रहे हैं, तो मैं भी जाऊँगा अभी लेने। तो चलो तो गाइस मैं टिकट ले लिया हूँ और सामने देख सकते हैं बड़ा सा गेट, नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क। तो चलो अंदर जाते हैं देखते हैं। सो गाइस चलो आगे जाते हैं। तो सामने दिख रहा है वो बड़ा सा गेट और ये आउट साइड है बाहर जाने का रास्ता, और ये लोग जा रहे हैं जो कि घूम के आ चुके हैं। और ये भाई सबको भी देख लो अंदर। चलो आगे जाते हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, वैसे सीरियस मत लेना। और भी और इनको भी देख लो गाइस। और यहाँ एटीएम का भी सुविधा है एसबीआई का, और आप लोग यहाँ आप लोगों का सामान सब रख सकते हैं। और वहाँ भी एक शॉप है बच्चों का टी शर्ट ऐसा, बड़ों का टोपी कैप सब है। तो चलो आगे जाते हैं। यहाँ प्लास्टिक बोतल तो गाइस मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ। तो ये बोटनिकल गार्डन जाता है वो सामने वाला रास्ता, और यहाँ पीछे भी देख लो जहाँ से मैं उस तरफ से आया, मैं टिकट काउंटर उधर था। और ये सामने यहाँ टिकट देना पड़ता है, टिकट पास बोल सकते हो, टिकट हो जाएगा। तो लाइन लगा, उसके बाद अंकल जी ने बुलाए, उधर गया टिकट दिखाया, स्कैन किए और क्या किए, तो उसके बाद चला गया अंदर। और यहाँ से देख सकते हो सामने की तरफ से कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है गाइस। और चलो देन जाते हैं। तो गाइस सामने देख रहे हो कि हम मस्त दिख रहा है प्लेस, वहाँ वाटरफॉलिंग टाइप का हो रहा है। तो चलो वहाँ भी जाते हैं आगे। तो ये है मंदिर, शायद ये लेफ्ट साइड में था। एंड ये फ्लावर्स गार्डन, रोज फ्लावर्स है शायद। और चलो आगे जाते हैं, यहाँ वाटरफॉलिंग हो रहा है जो बहुत अच्छा दिख रहा है, सीन भी मस्त है यहाँ का, फोटो ले सकते हो यहाँ आके। तो चलो आगे जाते हैं। तो गाइस हम लोग उस तरफ जाएंगे और टाइगर एलिफेंट एंड जिराफ देखने यदि इस तरफ। तो चलो जाते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद ए न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं एक जगह विजिट किया हूँ जो आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं आया हूँ नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क,
जो कि भुवनेश्वर में है, प्लेग्राउंड टाइप का है, मतलब बच्चे लोग खेल सकते हैं यहाँ, जो कि 12 साल के नीचे होंगे वो खेल सकते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ, ये मैं पहले इस तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ हम लोगों को देखने को मिलेगा टाइगर, लायन और बहुत कुछ। मैं रूल भी देख लो। तो गाइस ये प्लेग्राउंड है बच्चों लोगों का, जो 12 साल से नीचे हैं उनके लिए, और कोई मतलब 12 साल से ऊपर के लोग जाएंगे तो फाइन भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइस रुको, और ज़्यादा स्पीड तो नहीं भाग सकता, इतना ही मेरे से होगा क्योंकि मैं तो मशीन तो नहीं हूँ। तो चलो जाते हैं आगे। तो गाइस यहाँ हम जा रहे हैं, तो यहाँ हम देखने को पाएंगे स्लोथ बेयर, जो कि हिंदी में अलसी भालू या कुछ कहते हैं, और ओडिया में देशी भालू। तो गाइस वहाँ देख सकते हो आप लोग, और दे ब्लैक सा दिख रहा है जो ठीक उसका दरवाजा के सामने ही, तो देख लिए। एंड गाइस यहाँ इनका नाम भी है, देख सकते हो। तो गाइस यहाँ भी देख सकते हो कितना मस्त खेल रहा है। तो गाइस वो उसका असली खेल नहीं था, असली खेल देखो अब कितना फनी लग रहे हैं। तो गाइस आप लोग भालू देख लिए उधर का, यहाँ दो है, एक का नाम है विक्रम, का नाम है मुनि, विक्रम एंड मुनि इज हियर। देखिए ऐसे नहा रहा है गाइस, देखो एज यू कैन सी कैसा, देखो गाइस देखो। तो गाइस मैं तुम आप लोगों को तो भालू दिखा चुका हूँ, बट यहाँ बहुत पास में है तो मैं दिखाना चाहूँगा। देखो ये रिस भालू। मस्त दिख रहा है गाइस। तो शो ऑफ कर रहे हैं। एक इसी के पास एक है हिमालयन ब्लैक बेयर, जो कि ओडिया में बोलते हैं कृष्ण उल्लुक भल्लू को। यहाँ शायद नहीं दिख रहा है कि नहीं, आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि यहाँ है, होगा तो भी अंदर ही मतलब खेलने के लिए झूला टाइप का बना दिए हैं। तो चलो गाइस अभी लेपर्ड देखने जाते हैं, जो कि पैंथर भी बोलते हैं उसको। यहाँ इनका नाम है अनीता एंड मंजू, यार कितना अच्छा इनका नाम भी रखा गया है। और गाइस यहाँ अडॉप्ट भी कर सकते हैं पर्सनली, आप अगर आप लोग कोई भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये रहा भाई साहब, दिखाई नहीं दे रहे थे।
बहन जी, सॉरी सॉरी बहन जी। तो गाइस ये है पैंथर पैंथर पैंथर। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये है तेंदुआ। चलो सामने से देखते हैं। सामने से देखने जाते हैं। और गाइस इन्हें हिंदी में तेंदुआ भी बोलते हैं, तेंदुआ। मस्त सो रहे हैं गाइस। तो यहाँ है एशियाटिक वाइल्ड डॉग, मुद्दे देख सकते हो जूम जूम। रूपा तो यहाँ और एक टाइगर देख सकते हो, जो कि व्हाइट टाइगर बोल सकते हैं, व्हाइट टाइगर बोल। तो गाइस मैं अब यहाँ हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ तो मुझे एलिफेंट देखने को जाना है। उसके बाद यहाँ से ऐसे राउंड करेंगे, एक राउंड देख सकते हो। फॉरेनर्स लोग आए हैं गाइस। This is Mahabaho Pantheria tiger. और यहाँ एशियाटिक लायन देख रहे होंगे, एशियाटिक लायन लायन। तो गाइस आगे चलो जाते हैं।
तो गाइस मैं अब यहाँ हूँ, उसके बाद यहाँ जाना होगा। ऐसा आया मैं राउंड 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 एंड देन यहाँ मुझे जाना होगा एलिफेंट देखने। लेट्स गो। गाइस मैं तो चला हाथी देखने, तो ये रहा सामने। चलो दिखाता हूँ, रुको वेट, ये दे। तो ये रहे हाथियाँ। तो अब जा रहा हूँ जिराफ देखने। जेब्रा भी देखने गया था बट नहीं मिला। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं सामने है जिराफ। गाइस हियर इज जिराफ। जिराफ है सामने। गाइस इनको भी देख लो, ये भी बहुत भाइयों को भी देख लो, इंतजार में है क्योंकि कोई देख ले। तो गाइस यहाँ आई लव नंदन कानन लिखा हुआ है। तो गाइस मैं यहाँ हूँ, अब इस तरफ जाना है बोटिंग साइड। As you can see, एक ही है लंबा बहुत है। राजा
किंग कोबरा। इंसान चितानी ऐसे तोड़ी को नहीं बने इंसान चितानी describing it. तो गाइस यहाँ हिप्पोपोटामस देखने को मिलेगा एज यू कैन सी। तो ये है बोटिंग साइड जो पैडलिंग वाला बोट है, पैडल मार मार के बोटिंग वाला। तो दो जन का पड़ेगा 50 रुपीस एंड चार जन का पड़ेगा 100 रुपीस एंड 7 जो फैमिली जैसे आएंगे 7 मतलब 7 जन होंगे तो उनका पड़ेगा 150 शायद। तो गाइस चलो ऊपर से देखते हैं कैसा दिखता है बोटिंग साइड, आप लोग देख सकते हो। और वो लेफ्ट साइड में नहीं दिखाया, उधर लेफ्ट साइड में उस तरफ रोप वे गया है, उधर रोप वे भी है लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाया हूँ, और कभी जाऊँगा तो दिखाऊँगा रोप वे के बारे में। तो
हाँ आप लोग बैठ सकते हो, लेफ्ट से हाँ इस साइड में है, बैठ सकते हो। जो ग्रास टाइप का दिख रहा है, ग्रीन ग्रासेस है उस तरफ, और इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी बैठने का बहुत सारी जगह है। तो गाइस इस साइड जाने से आप लोग बहुत सारे बर्ड्स देख पाओगे, बहुत प्रकार का बर्ड्स। आप लोग देख लेना, मैं साइन बोर्ड ही दिखाऊंगा उनके बारे में जो डिस्क्राइब करा गया है, उनका नाम के साथ साथ और कुछ और बहुत कुछ। तो मैं ज़्यादातर उनका नाम नहीं बोलूँगा, आप लोग देखिएगा स्टॉप करके अगर देखना है तो, और आगे जाना है तो स्किप करके जाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर बना दिया हूँ। तो चलो एक सिनेमैटिक वीडियो हो जाए, सिनेमैटिक वीडियो।
तो गाइस सब तब तक घूम लिया हूँ, अभी बस चलो देखने जाते हैं मैप कि कहाँ है तो हम लोग। मैं अभी यहाँ हूँ, ठीक यहाँ पे। मैं पहले यहाँ से बुकिंग किया टिकट, उसके बाद यहाँ ऐसे घुमा ऐसे गया, ऐसे इधर से फिर इधर आया, फिर से वापस गया एंड इधर आके सब तब देख लिया। उसके बाद फिर से उधर ऐसे जाके और उधर जाके बोटिंग साइड, यहाँ रोपवे भी है। इधर ऐसे होके बोटिंग घाट होके अभी फ़िलहाल यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था यदि यहाँ पे एंड नाउ आई एम हियर एंड आई एम गोइंग आउटसाइड। यहाँ वाटरफॉल है, उसके बाद सीधे बाहर चला जाऊँगा। यही था मेरा प्लान। गाइड मैप तो गाइस मैं सब तरफ घूम चुका हूँ, तो अभी वापस जाते हैं घर। घूम के तो ख़त्म कर चुका हूँ। तो ये शॉप भी दिखा देता हूँ। तो ये है, यहाँ डॉल सब है और बच्चों का खिलौना, और यहाँ कैप सब भी है सामने, और बच्चों का छोटा सा टी शर्ट है, उसका प्राइस 400-500 ऐसा है, और कैप का टोपी का 200-250 ऐसा है। से मैं आया था, तो अभी बाहर जा रहा हूँ। एग्जिट चलो बाहर जाते हैं। तो गाइस अभी इवनिंग का टाइम है इसलिए और आ रहे हैं, और उस टाइम दोपहर का टाइम था जब मैं गया था। तो चलो बाहर जाते हैं। तो गाइस बाहर का भी नज़ारा कुछ ऐसा है जैसे कि मैं पहले से ही फर्स्ट क्लिप में ही दिखा चुका हूँ, फिर भी और एक बार देख लो गाइस कैसा दिख रहा है। तो ये सामने छोटा छोटा स्टॉल सब है, गुपचुप। गाइस सामने देख सकते हो कैसा दिख रहा है, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस जैसा दिख रहा है। तो
चलो जाते हैं आज का ब्लॉग, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, जब तक न्यू वीडियो ना आए। गाइड मैप रेकॉर्डिंग ऑन कर ना। श्रीलंका अफ्रीका लोकल जो लंगुड़ शह साढ़े छः फुट लंबा तार पर सब ये अच्छे से जो फैंस दिखे पारे नहीं जाल से पार कर।
सिनेमैटिक शॉट सब नेबा टिके टिके आ वीडियो रा लैंडस्केप मोटा बोल के रखा हां वीडियो रा लैंडस्केप मोटा पर ठीक ऊपर तो हले टिके और लागियो ए प्रथम देखिबे ना देखो ये घड़ी घड़ी ना शियाल शियाल एमती तो बहुत बड़ जगह एरिया ना के बुले नहीं सर चल जल्दी जल्दी पार हे से बोटिंग साइड देखे जाए हाँ नहीं जब टाइम नहीं हाँ बोले नहीं करले भी जन बैनर उठेब पशु थी बोले तार फटो करेंगे देखा खाली एम देखे जाने भी हाँ नाम गुड़ाक नाम कि मन तार नाम कि हाँ मजा लुटी जा नहीं आप दूर से सर्व भी नहीं ना सेपटे मजर पसला सात अंधर अंधर अच्छे हाँ से बोटिंग साइड नहीं जीवा ना बोटिंग साइड बोटिया से पिकअप पिकअप तो नहीं कोको बुरा संति रेलवे स्टेशन ते थी ना ये देखिए कैसे नहीं ये भी आइला आइला यार देख रही कर देख कर देख मोर कैमरा फोकस नहीं हाँ बड़ा Thank you.
ठीक है भर तो देखा नहीं लगा एकदम पास चल पूरा भल रे कैप्चर कर लियो पाखर आसी जीतिला इधर कौन तो कौन सा बाबू जी रहा है महाबल बाबू बाल काटवा खबर के पड़ा लायन କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ନା କାରଣ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଆସୁନ ରେ ଚାଲିକି ହଁ ମିଟର ନାହିଁ କିଲୋମିଟର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ନାଇଁ ଚାଲବାର ଲୋକ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପଶିକି ଯିବେ ହଁ ତ ନା ଦଶ ମିନିଟ୍ ହେଲା ବେଲେ ମୁଁ ତ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 400 meters ଥିଲା ହଁ ସେଇଟା ଏତେ କିଛି ନାହିଁ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ବହୁତ ଦୂର ଥିବ ନା କିନ୍ତୁ କି ପାଖରେ ବି ଅଛି ସର୍ଟକଟ୍ ଯିବା ଆଉ କେଉଁ ପଟେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆନିମଲ୍ସ ମାନେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତ ଏତେ ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଯେ ଫୁଲ୍ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇବା ଭଲକି ଗୋଟେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବୁ
और एडिट करिवारे बहुत माने एत हार्ड लगे हार्ड करे टाइम देवा कथा बोले एटार स्टार्टिंग जानती ना माने किछे नाइनो स्टोरेज अछि तो मोबाइल थिबो स्टोरेज पूरा घंटा पे बहुत एंडिट है 128 अछि जीबी किंतु 28 जीबी पर मोर जते थिबो नहले अब सब खाली थिबो केमटे जाय पटे अछि एटलु भालु कह इंग्लिश कह एक मिनट है सर सेटअप ऊपर रहा देखना ना मुझे हाथी 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 कैलाश कोई आंदे से ट्राइपोड बाहर करवा भल लागबो इंटरेस्टिंग दे लागबो आ गपो छ खाली करवा पड़बो लाइट करबा लुक रहला कोन वाइड एंगल पर रुक वे अच्छा बोटिंग हेले जीवा दि जन कर हबो कि नै हाँ भले भले हम देख तो